बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लूप की दूसरी किस्म डूवाइल लूप की डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ लूप फॉर लूप की डिटेल्स आपको देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फॉर लूप अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लूप कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अपनी फ्लेक्सीबिलिटी और सिंप्लिसिटी की वजह से ज्यादातर प्रोग्रामर्स दूसरे लूप्स के मुकाबले में फॉर लूप के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जिस तरह व्हाइल लूप को तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्रोग्रामर को यही पता नहीं होता कि लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स को कितने टाइम्स रिपीट करना है, ऐसे ही फॉर लूप को तब इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा मौसर तब है जब प्रोग्रामर को ये अच्छी तरीके से पता हो कि उसे लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स को कितने टाइम्स रिपीट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको आउटपुट स्क्रीन पर अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो ऐसे में ये काम व्हाइल और डू व्हाइल के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में बेस्ट सूटेड लूप जो होगा वो होगा फॉर लूप, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि आपको लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स को 10 टाइम्स रिपीट करवाना है, यानी प्रोग्रामर को पता है कि मुझे लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ पर करना है। और डियर फ्रेंड्स, व्हाइल लूप की तरह फॉर लूप भी प्रीटेस्ट लूप है, क्योंकि यहाँ भी पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर पहली दफा में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो व्हाइल की तरह फॉर की बॉडी में भी कंट्रोल नहीं जाएगा। इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि लूप में एंटर होने से पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसका सिंटैक्स देखिए। दोस्तों, यहां सबसे पहले आप फॉर के कीवर्ड को लिखेंगे जो कि लोअर केस में लिखा जाएगा, इसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आप तीन एक्सप्रेशन देंगे, 1, 2 और 3, और इन तीनों एक्सप्रेशंस को आप दो सेमीकॉलन्स के जरिए सेपरेट करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, पहली एक्सप्रेशन में आप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे, दूसरी एक्सप्रेशन में आप कंडीशन देंगे, और तीसरी एक्सप्रेशन में आप काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप और करें तो ये पूरा फॉर लूप इस काउंटर पर डिपेंडेंट है। और ये काउंटर क्या है दोस्तों? काउंटर एक वेरिएबल है जिसमें आप कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जहां से आपको आपके लूप को स्टार्ट करना होगा। इसके बाद हर बार काउंटर वेरिएबल को कंडीशन में चेक करवाएंगे और काउंटर वेरिएबल को उस वैल्यू से कंपेयर करवाएंगे जहाँ आपको कंडीशन फॉल्स करवानी है, और तीसरी एक्सप्रेशन में आप काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट ये डिक्रीमेंट करवाएंगे। इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस देंगे और कर्ली ब्रेसेस में उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जिनको आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। याद रखिए, आप पैरेंथेसिस में फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर ये तीनों एक्सप्रेशन देने के बाद किसी किस्म का कोई टर्मिनेटर यूज नहीं करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आइए एक प्रोग्राम के थ्रू जानते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करेगा। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप अपना नाम 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसको अगर आप फॉर लूप के थ्रू बनाएं तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह का होगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये लूप काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो आपको काउंटर वेरिएबल डिफाइन कर दिया आपने आई के नाम से, इसके बाद आपने फॉर का कीवर्ड लिखा, फॉर के कीवर्ड के अंदर आपने पैरेंथेसिस लिखी, और पैरेंथेसिस में आपको लिखनी है तीन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। दोस्तों, आपने यहाँ आई को 1 से ही क्यों इनिशियलाइज करवाया? क्योंकि आपको पता है कि लूप का स्टार्ट आपने 1 से लेना है, तो जहां से लूप का स्टार्ट होगा आप काउंटर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज उसी वैल्यू से ही करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको 3 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप यहां पर आई को इनिशियलाइज भी 3 से करवाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको 10 से लेकर 15 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं तो आप काउंटर को इनिशियलाइज 10 से करेंगे, विच मीन्स के जहां से आपका लूप स्टार्ट होगा उसी वैल्यू से आप काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करेंगे। इसके बाद है दोस्तों कंडीशन, और यहाँ पर हमने कंडीशन दी है आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो याद रखिए दोस्तों, कंडीशन के राइट हैंड साइड पर हम वो वैल्यू लिखते हैं जहाँ हमें लूप को स्टॉप करना होता है, क्योंकि यहाँ हमें नाम 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो इसीलिए हमने लूप को स्टॉप भी 5 पर ही किया है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप
5 से लेकर 15 तक के नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लूप को इनिशियलाइज उसी वैल्यू से करेंगे जहां से आपको आपका आउटपुट चाहिए। यहां पर आप इनिशियलाइज 5 से करेंगे और लूप को स्टॉप कहां करेंगे, लूप को स्टॉप करेंगे 15 पर, विच मींस दोस्तों जहां से आपको लूप का स्टार्ट करना है आप इनिशियलाइजिंग वैल्यू वही देंगे और जहां पर आपको अपने लूप को स्टॉप करना है वहां पर आप कंडीशन में राइट हैंड साइड पर स्टॉपिंग वैल्यू देंगे, यानी आप ऐसी वैल्यू देंगे जहां पर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और आखिर में दोस्तों आप उस काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे अपनी कंडीशन और प्रोग्राम के हिसाब से। अब डियर फ्रेंड्स ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, सबसे पहले तो ये जो इनिशियलाइजिंग वैल्यू है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, यानी जैसे ही आपका लूप होगा ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद ये कंडीशन चेक होगी कि आया आई वेरिएबल के अंदर रखी वैल्यू छोटी या फिर बराबर है 5 से, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल चला जाएगा, फॉर लूप की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद आपका कंट्रोल इस आई प्लस प्लस के ऊपर आएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये हो गया आपका स्टेप 1 जहां पर आप वैल्यू को इनिशियलाइज कराएंगे, ये हो गया स्टेप 2 जहां पर आप कंडीशन देखेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपका स्टेप 3 होगा इस लूप की बॉडी, यानी इस लूप की बॉडी में रखी जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और स्टेप 4 यहाँ पर होगा आई यानी काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंने आपको एक साइकिल बताई है, अब दूसरी साइकिल के अंदर जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो अब आपका कंट्रोल दोबारा से इस कंडीशन पर जंप करेगा, ना कि इस इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन पर। याद रखिए ये जो इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगी जब आपका लूप स्टार्ट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू होगी और लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद दोस्तों दोबारा से कंट्रोल कंडीशन पर आएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ये जो साइकिल है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर दोस्तों आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होने के बाद आई के अंदर प्लस प्लस हो गया, मिसाल के तौर पर आई के अंदर अभी वैल्यू थी 5, इसके बाद जब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई आई के अंदर प्लस प्लस हुआ तो अब आई के अंदर वैल्यू आ गई है 6। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 6 जो है वो छोटा या फिर बराबर है 5 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब दोस्तों जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली इस लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, इस लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। और डियर फ्रेंड्स यहाँ दो बातें और तलब हैं कि ये जो इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी जब फॉर लूप स्टार्ट होगा, और सेकेंड चीज ये कि ये जो काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली एक्सप्रेशन है ये लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद रन होगी। यानी अक्सर लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि फॉर लूप किस तरह काम कर रहा है, पहले ये एक्सप्रेशन चलेगी फिर ये एक्सप्रेशन चलेगी फिर ये एक्सप्रेशन चलेगी फिर उसके बाद लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है, याद रखिए ये जो इनिशियलाइजिंग स्टेप है ये वन टाइम स्टेप है, इसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली एक्सप्रेशन रन होगी। अब आइए दोस्तों इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर लूप में जैसे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद दोबारा से कंट्रोल चला जाएगा इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली एक्सप्रेशन पर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से कंट्रोल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली एक्सप्रेशन पर चला जाएगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर लूप का जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फॉर लूप काम करता है। अब आइए प्रोग्राम के थ्रू फॉर लूप को मजीद डिटेल में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम 2 का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, और किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू प्रोग्रामर हैं, यानी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो पहले आप अपने सामने आउटपुट लिख लें,
और फिर ये देखिए कि उस आउटपुट को हासिल करने के लिए आपको लॉजिक क्या लिखनी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टू का टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें जो आउटपुट स्क्रीन पर नंबर्स चाहिए वो कुछ इस तरह होंगे। पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। क्योंकि दोस्तों हमें 1 से लेकर 10 तक के आमतौर पर हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं टेबल्स की, तो यहाँ पर भी हमने 2 से लेकर और 20 तक के ही प्रिंट करवाया है। अब इस आउटपुट को हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी 2 के टेबल में जब आपको 2 चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, 2 वन जा 2। इसी तरीके से 4 के लिए आप 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, फिर 6 के लिए आप 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से, फिर 8 के लिए आप 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 से। यानी इसी तरीके से हम आमतौर पर 2 का टेबल जो है वो लिखते हैं। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, यानी लूप के थ्रू करें, तो वो किस तरह होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये कुछ नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 पर स्टॉप हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको 2 का टेबल 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर आप फॉर लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से। इसके बाद दोस्तों क्योंकि आपको अपने टेबल को 10 पर स्टॉप करना है, यानी 2 टेन्स 20 पर स्टॉप करना है, तो अब आप कंडीशन में देंगे कि जो मेरा काउंटर वेरिएबल है वो हमेशा छोटा हो या बराबर हो 10 के। और दोस्तों फिर आप गौर करें कि ये जो वैल्यू है इसमें हर बार 1 का इजाफा हो रहा है, यानी पहले 1 था, फिर 1 प्लस 1 2 हुआ, फिर 2 प्लस 1 3 हुआ, यानी यहाँ पर आपको काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर लूप की एक्सप्रेशन क्या लिखनी है, फॉर लूप की स्टेटमेंट क्या लिखनी है। तो आइए सबसे पहले फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हमें लूप की बॉडी में क्या लिखना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले हमें इसको डिफाइन करना होता है। हमने काउंटर वेरिएबल ले लिया आई, इसके बाद हमने फॉर का कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस दिए। अब पैरेंथेसिस में हमें 3 एक्सप्रेशन देनी है। पहली एक्सप्रेशन काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है, दूसरी एक्सप्रेशन में हमें कंडीशन लगानी है, और तीसरी एक्सप्रेशन में हमने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। और अभी हमारे प्रोग्राम की मुनासबत से आपने देखा कि हमें काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है 1 से, इसके बाद हमें सेमी कॉलन लगाने हैं, उसके बाद कंडीशन में क्योंकि हमें 2 का टेबल हम 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर काउंटर वेरिएबल के अंदर कंडीशन दे देंगे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। दोस्तों अगर आप 2 का टेबल 12 तक के प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, यानी 2 12 जा तक अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अब 10 के बजाय आप यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 12। यानी ये आप अपने प्रोग्राम की मुनासबत से वैल्यू लिख सकते हैं जहां पर आपको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज है, तीसरी एक्सप्रेशन है, वो है काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। तो अभी आपने देखा कि प्रोग्राम की मुनासबत से हमें काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है, यानी यहाँ पर ये आई हो गया 1, हमने आई दे दिया 1, अब हमें स्टॉप करवाना है इसको 10 तक, तो हमने कंडीशन में दे दिया आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और हमने आई प्लस प्लस कर दिया, तो अब उस आई प्लस प्लस की वजह से हमेशा पहले ये 1 आएगा आई के अंदर, फिर 2 आ जाएगी वैल्यू, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और कब तक के ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक कि i के अंदर मौजूद वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। जैसे ही वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपने फॉर लूप के अंदर कंडीशन दी है कि i हमेशा या तो छोटा रहे या फिर बराबर रहे इस 10 से। यानी दोस्तों आपने फॉर लूप लिख लिया, अब बारी आती है लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट को लिखने की। और डियर फ्रेंड्स, आपको फॉर लूप की बॉडी में कौन सी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, वो स्टेटमेंट्स जिनको हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, यानी जिन स्टेटमेंट से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, आपको सबसे पहले 2 प्रिंट करवाना है, यानी आपको एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आप प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन में परसेंट डी लिख देंगे। लेकिन ये जो आपकी इंटीजर वैल्यू है ये आपको मिलेगी कैसे, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, फिर उसके बाद आपको 4 प्रिंट करवाना है, और 4 की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। यानी दोस्तों जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, क्योंकि 1 जो है वो स्टोर है i से, तो यहाँ पर आपको 2 मल्टीप्लाई बाय i लिखना है, तब जाके आपको हर बार आपका
रिजल्ट मिलेगा जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आइए अब प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर लूप की बॉडी में। दोस्तों आप सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस देंगे, यहाँ पर आपने ये कर्ली ब्रेसेस लिखे, कर्ली ब्रेसेस में आपने प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले 2 प्रिंट करवाना है और 2 एक इंटीजर वैल्यू है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि आपको और फिर क्योंकि आपको 2 के बाद 4 प्रिंट करवाना है, लेकिन हर बार आपको आपका आउटपुट एक न्यू लाइन में चाहिए, तो आपने यहाँ पर बैक स्लैश एन लिख दिया। अब दोस्तों ये 2 आपको हासिल कैसे होगा, यानी सबसे पहले आपको 2 प्रिंट करवाना है, तो वो 2 हासिल होगा जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, और 1 स्टोर है आई के अंदर, यानी 2 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे आई से। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, पहले आई की वैल्यू होगी 1, तो 2 1 2 प्रिंट हो जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के अंदर वैल्यू 2 आ जाएगी, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 के बराबर होता है, यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आई की वैल्यू जब तक कि 10 नहीं हो जाती, बारी बारी 2 का टेबल प्रिंट होता रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप टर्मिनेटर लगा देंगे, और अब आप दोस्तों यहाँ पर इसको रन करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर आपका 2 का टेबल 10 तक के प्रिंट हो चुका है। आइए अब इसको मैनुअली देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले i के अंदर मौजूद है वैल्यू 1, तो यहाँ पर i इनिशियलाइज हो गया 1 से। अब ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब आपका जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि दोस्तों i के अंदर अभी वैल्यू है 1, तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 2। दोस्तों आपका सबसे पहले 2 प्रिंट हो चुका है। अब कंट्रोल इस i++ पर जाएगा, i++ की वजह से i की वैल्यू अब हो जाएगी 2, यानी 1 प्लस 1 हो जाता है 2। अब चेक होगा कि क्या 2 जो है वो छोटा है 10 से, ये कंडीशन ट्रू होगी, i के अंदर आ जाएगा 2, और अब यहाँ पर प्रिंट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी अब जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट आपको शो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 4, और आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर 4 आ जाएगा न्यू लाइन में, क्योंकि आपने यहाँ पर बैक स्लैश एन लिखा है। और इस तरीके से दोस्तों जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, आउटपुट स्क्रीन पर आपको 2 का टेबल नजर आता रहेगा। अब दोस्तों ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आपके आई के अंदर मौजूद वैल्यू बड़ी हो जाएगी 10 से। मिसाल के तौर पर अभी आई के अंदर मौजूद वैल्यू है 10, तो यहाँ पर चेक होगा कि क्या 10 जो है वो छोटा है 10 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर चेक होगा क्योंकि हमने इक्वल्स टू भी लिखा है कि क्या 10 जो है वो बराबर है 10 से, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 से, क्योंकि आई के अंदर मौजूद है वैल्यू 10। जैसे ही 2 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 10 जा 20 प्रिंट हो जाएगा। 20 प्रिंट होने के बाद, यानी लूप की बॉडी के बाद कंट्रोल जाएगा इस आई पर, आई प्लस प्लस पर। अब 10 में जब आप 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू हो जाएगी 11, और कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 जो है वो छोटा है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर चेक होगा कि क्या 11 जो है वो बराबर है 10 से, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो कंट्रोल आपकी इस लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, बल्कि इस गेट सीएचई पर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका 2 का टेबल 20 तक के प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, कहां आपको किस वैल्यू से आपको अपने फॉर लूप को इनिशियलाइज करवाना है, कंडीशन किस तरह से लगानी है, और स्टॉप कहाँ पर करना है, आया इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये सब डिपेंड करता है आपके आउटपुट पर। तो याद रखिए, आप जब तक अपना आउटपुट देखते रहेंगे, लॉजिक को बनाना आपके लिए निहायत ही आसान होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था फॉर लूप, उसका सिंटैक्स, उसकी वर्किंग। अगले लेक्चर में हम नेस्टेड लूप को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।